आज की ये स्पेशल वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स के लिए है, तो हो सके तो उनको वीडियो दिखाओ और पूरी दिखाना। एक बच्चे की लाइफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा सुपर हीरो खुद उसके पापा होते हैं, स्पेशली मेल चाइल्ड के केस में। लेकिन मोस्टली केसेस में जब तक ये बात इंसान को समझ आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जब भी घर में हमारे पापा किसी दूसरे के साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं, अच्छा या बुरा, और फिर उसका रिफ्लेक्शन जब उनके हमारे साथ बिहेवियर के रूप में सामने आता है, तब तब सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में वो बिहेवियर पैटर्न सेट होता जाता है। और मोस्टली केसेस में होता ये है कि हम भी कहीं ना कहीं अपने पापा की परछाई बनते चले जाते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कई बार जब पापा खुद अंधेरे में होते हैं तो उनकी परछाई यानी कि हमारे अंदर का अंधेरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कई बार हमें सही और गलत के बीच का फर्क दिखाई देना बंद हो जाता है और हम भी कहीं ना कहीं एनिमल बन सकते हैं। और यही देखा हमने एनिमल मूवी के ट्रेलर में। 3 मिनट 32 सेकंड के इस ट्रेलर में जो कुछ हमने देखा वो मोटे मोटे तौर पे कुछ इस प्रकार है। रणबीर कपूर की एक्टिंग रेंज, रणबीर कपूर के कैरेक्टर और अनिल कपूर के कैरेक्टर के बीच की एक टॉक्सिक फादर सन रिलेशनशिप जिसको हम इसके टीजर ब्रेकडाउन में प्रेडिक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। साथ ही हमें देखने को मिली एक माँ की बेबसी और रश्मिका मंदाना की थोड़ी सी बहुत हल्की सी नोट्स ऑफ फ्लुएंट डायलॉग डिलीवरी लेकिन ब्रिलियंट एक्सप्रेशंस एंड एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में टॉक्सिक बाप बेटे के रिश्ते का रिफ्लेक्शन और गीतांजलि का वो डर जिसमें वो फ्यूचर में अपने बच्चों को उनके बाप की परछाई बनते हुए देख रही है क्योंकि उसका पति खुद अपने बाप के अंधेरों के साए में जीत आया है। और साथ ही देखा ये मनी शॉट। मैं बोल रहा हूँ थिएटर में सीन में जनता पागल होने वाली है। तो मेरे जान स्वागत है तुम सबका सिनेमा अनफिल्टर्ड की एक और एनालिटिकल वीडियो में और मैं हूँ आपका हमदम आपका दोस्त प्रेम। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एनिमल मूवी के ट्रेलर का एनालिसिस। एनिमल ये टाइटल शायद सिनेमा की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट एंड सुटेबल मूवी टाइटल के रूप में याद रखा जाने वाला है। एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर नियर फ्यूचर हम किसी मूवी से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो जवान का रिकॉर्ड तोड़ सके तो वो एनिमल मूवी ही हो सकती है। और इस सबका क्रेडिट जाता है डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को क्योंकि उन्होंने जो सब्जेक्ट पकड़ा है फादर सन के टॉक्सिक रिलेशनशिप का, आई थिंक उससे बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। इवन लाइफ पार्टनर वाला एंगल भी छोटा पड़ जाता है उसके सामने, जो कि हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल भी रहा है। इस ट्रेलर में हमें मोटे तौर पे 5 कैरेक्टर्स देखने को मिले। एक है रणबीर सिंह का कैरेक्टर जो कि सोशल मीडिया पे अर्जुन सिंह कहा जा रहा है, मे बी अर्जुन वैली गाने की वजह से, लेकिन मैंने फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ी रणबीर के ऑन स्क्रीन कैरेक्टर नेम के बारे में, लेकिन फिर भी बातों की सहूलियत के लिए हम यहाँ पे उसको अर्जुन सिंह ही कह देंगे। दूसरा हमने देखा अनिल कपूर का कैरेक्टर बलबीर सिंह जो कि अर्जुन सिंह का फादर है। तीसरा कैरेक्टर के रूप में हमें देखने को मिली अर्जुन सिंह की ज्योति एंड फोर्थ वाज हिज वाइफ गीतांजलि जिसको रश्मिका मंदाना प्ले कर रही हैं। एंड फिफ्थ कैरेक्टर वाज बॉबी देओल्स मेन विलन जो कि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में एक म्यूट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस मूवी की कहानी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि एनिमल रिवॉल्व्स अराउंड अ ट्रबल्ड फादर सन बॉन्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एक्सट्रीम ब्लडशेड इन द अंडरवर्ल्ड व्हिच कॉजेस द सन टू बिकम अ विशियस साइकोपैथ, जो कि हमें सोशल मीडिया पे पढ़ने को मिलता है और ट्रेलर से ये बात सही भी साबित हो रही है। यानी कि इस कहानी में अंडरवर्ल्ड को बैकड्रॉप में जरूर रखा गया है लेकिन एक्चुअल में ये कहानी एक बाप बेटे की है और उनके आपसी रिश्ते की है जो कि शायद टॉक्सिसिटी के हर लेवल को क्रॉस कर चुका है। सबसे पहले हम अनिल कपूर का कैरेक्टर बलबीर सिंह और उसके बेटे रणबीर सिंह के कैरेक्टर अर्जुन सिंह पे आते हैं। बलबीर सिंह एक बिजनेसमैन है जो कि अपने काम को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है कि उसका अपने बच्चों की पेरेंटिंग तक पे ध्यान नहीं है। यानी कि आजकल के वर्किंग कल्चर में जो बीमारी है वो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है अपने यमदूत वाले रूप में। माँ बाप अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने बच्चों को टाइम तक नहीं दे पाते जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों में मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। एंड इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, ये हमारे समाज में हो रहा है, इससे बच के हम नहीं भाग सकते। हमारे आंखें मूंद लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। अगर इस इशू को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमारे वर्किंग पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। उनको ये समझना होगा कि उनको अपने बच्चों को टाइम देना कितना जरूरी है। हम बलबीर और अर्जुन की इस कन्वर्सेशन से ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्जुन अपने बाप से कितना प्यार करता है लेकिन उसके बाप ने कभी उसको टाइम नहीं दिया। उसने अपने काम को हमेशा ज्यादा तवज्जो दी। इवन अर्जुन माइकल जैक्सन का फैन है लेकिन वो 5 साल की उम्र में माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट छोड़ देता है क्योंकि उस दिन उसके पापा का बर्थडे था और उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वो इस उम्मीद में था कि आज एटलीस्ट अपने बर्थडे के दिन उसके पापा उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन उसके पापा ने उसके साथ क्या किया वो हमने उस सीन के रिक्रिएशन के टाइम पे देखा। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। और इस पूरे सीन में
हमें अर्जुन सिंह के अंदर का साइकोपैथ और बलबीर सिंह के अंदर की बेबसी की भरपूर झलक देखने को मिलती है। और सबसे बेस्ट चीज थी एज साइकोपैथ रणबीर कपूर की एक्टिंग। भाई ये साइकोपैथ वाली एक्टिंग सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, वेल थिएटर के दिनों में मेरी फेवरेट हुआ करती थी। इस सीन में हमें एक वर्कहोलिक फादर के उसके सन के साथ बचपन में किए गए उसके बिहेवियर के रिपरकशंस देखने को मिलते हैं। वर्कहोलिक पेरेंट्स के साथ ग्रो करना बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर, उसके ओवरऑल व्यक्तित्व के ऊपर बहुत गहरा असर डाल सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि हर एक चाइल्ड और उसकी फैमिली के डायनामिक्स यूनिक होती हैं। ना तो आपकी फैमिली डायनेमिक्स चौधरी साहब की फैमिली डायनेमिक्स के बराबर हो सकती है, और ना ही खन्ना अंकल या शर्मा जी के बेटे में आपके बेटे जैसी सिमिलर क्वालिटीज और पोटेंशियल हो सकते हैं। और अगर आपने अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशन नहीं सुधारे तो उसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उनका लेवल उतना बड़ा भी हो सकता है जो हमें एनिमल मूवी में देखने को मिल रहा है। याद रखना, ये सचमुच हो सकता है, बाद में बताऊंगा कैसे। वर्कहोलिक पेरेंट्स अनइंटेंशनली अपने काम को, अपने बच्चों के साथ बिताए गए क्वालिटी टाइम एंड इमोशनल कनेक्ट से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दिस कैन लीड टू अ सेंस ऑफ इमोशनल नेगलेक्ट, जहां पे उनका बच्चा अपने आप को अपने पेरेंट के काम से सेकेंडरी पोजिशन पे फील करने लगता है, एंड दिस इज टू डेंजरस। आपके इस लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट की वजह से बच्चे के अंदर लोनलीनेस, लो सेल्फ एस्टीम एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप ना बना सकने की डिसेबिलिटी तक पैदा हो सकती है। एज आई सेड कि वो आगे चल के आपकी ही परछाई बन जाएगा, लेकिन आप जब तक इस चीज को रियलाइज करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे भी अपने काम को ही प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर हिज रिलेशन विद यू। वो दुनिया के सामने तो कहेगा कि पापा मेरी जान है, इवन खुद से अंदर ही अंदर फील भी करेगा कि पापा मेरी जान, लेकिन जब बारी आएगी एक्चुअल में पापा को प्यार देने की, उनकी बात सुनने की, तब वो भी यही कहेगा, अब से 100 चीजें करूंगा पापा, हर बार आपकी परमिशन नहीं दे सकता, मैं आपसे सब कुछ नहीं पूछ सकता, चॉइसेस योर्स। और इतना ही नहीं, आपके द्वारा आपके बच्चों के साथ लिमिटेड क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से उसका सोशल डेवलपमेंट बहुत बुरी दिशा में जा सकता है। हो सकता है उसके अंदर सोशल इंटरेक्शन एंड इमोशनल बॉन्डिंग की कमी हो जाए। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो हर किसी के साथ एक सोशल एंड इमोशनल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते, और इस वजह से वो किसी क्लोज पर्सन पे ही सेंसिटिवली डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे अर्जुन सिंह सिर्फ अपने फादर से प्यार करता है, प्यार वो अपनी वाइफ और बच्चों से भी करता है, लेकिन अपने फादर के आगे वो अपनी वाइफ का गला तक दबा सकता है। आई मीन सब उस लेवल पे नहीं जा सकते, बट दिस कैन बी पॉसिबल। This is the epitome of toxic father-son relationship. Arjun Singh सिर्फ अपने family के लोगों के लिए ही थोड़ा बहुत sensitive है, otherwise he is too much insensitive, जिसकी वजह से वो criminal minded बन गया है, जिसकी वजह से वो साइकोपैथ बन गया है, वो पानी की तरह खून बहाता है, लोगों को गाजर मूली की तरह काट डालता है, एंड दिस लीड्स टू हिज लैक ऑफ इमोशनल वेलबींग एंड सेल्फ एस्टीम। बचपन में और भी कई बैड इफेक्ट होते हैं वर्कहोलिक पेरेंट्स के, लाइक बच्चों के ऊपर एकेडमिक प्रेशर एंड ऑल, जो कि हो सकता है इस मूवी में हमें देखने को मिल जाए, मिलना चाहिए, तभी रणबीर का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो पाएगा पूरी तरीके से। एंड द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ पेरेंटिंग इज कि बच्चों में भी अपने पेरेंट की तरह ही वर्कहोलिक टेंडेंसीज बढ़ने लगती हैं। लाइक आई सेड, वो अपने माँ बाप की परछाई बनने लगते हैं, और इस तरह से हम एक इमोशनली इनसेंसिटिव जनरेशन को जन्म देते हैं, जो कि आगे भी इसी तरह के समाज का निर्माण करेंगे अगर हम सही समय पे नहीं जागे तो। मे बी ये वीडियो तुम्हें मूवी के कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा प्रीची लग रही हो, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, स्पेशली एलीट वर्किंग सोसाइटी, और इससे बच के कहां भागोगे, माँ बाप से कौन बच के भाग सका है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनके पेरेंट्स वर्कहोलिक होते हैं और उन्हें टाइम नहीं दे पाते, इसके अलावा भी कई सारे सपोर्टिव फैक्टर्स होते हैं। यहाँ बलबीर की वाइफ बलबीर को समझा भी रही है कि अपने बच्चे को टाइम दो, लेकिन फिर भी अर्जुन का कैरेक्टर किस दिशा में डेवलप हुआ वो हम सब ने देखा, क्योंकि वो अपने पापा को आइडलाइज करता है ना कि अपनी माँ को, तो ऐसे में उसके फादर को पेरेंटिंग की कमान अपने हाथ में रखनी चाहिए थी। इस कहानी में माँ के हिस्से सिर्फ एक ही चीज आती है, बेबसी और मजबूरी, और उसकी इसी बेबसी की परछाई हमें अर्जुन की वाइफ गीतांजलि की आंखों में भी दिखाई देती है, जिसको ये डर है कि कहीं उसके अपने बच्चे अपने बाप की परछाई ना बन जाए। आखिर में हमने देखा इस मूवी के विलन का कैरेक्टर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना यहाँ पे हम मुद्दे से भटक सकते हैं। और हाँ, एक आखिरी बात, मैं डायरेक्ट आपसे मुखातिब हूँ कल आंटी, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ मूवी है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता, तो आप शायद गलत हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद अपनी आंखों के सामने इस तरह की नेग्लिजेंस के चलते बच्चों को बिगड़ते और क्रिमिनल बनते देखा है, फैमिलीज को बर्बाद होते देखा है, इट्स ट्रू, और मैंने वो बेबसी महसूस भी की है। आई कैन पर्सनली फील कि माँ बाप के अटेंशन की या फैमिली के प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता,
कोई भी नहीं। अब देखो यहाँ पे पेरेंट्स का एक्सक्यूज हो सकता है कि वो काम पे ध्यान नहीं देंगे तो फैमिली को एक अच्छी लाइफ कैसे देंगे एंड ऑल, उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे, लेकिन फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, ताकि आपके बच्चों में इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो सके, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलते चलते एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि मेरी ये वीडियो अपने मम्मी पापा को जरूर दिखाना और उनको इंसिस्ट करना कि वो इसे पूरा देखें, और हो सके तो ये मूवी भी अपने पापा के साथ ही देखना। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ कि किसने अपने मम्मी पापा को दिखाई ये वीडियो और उनके विचार क्या है इस वीडियो को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के मुझे भी इमोशनली ग्रो होने में हेल्प करना, और जो मेरी ये बात समझ गए हैं वो कमेंट्स में जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।